बताने में अभी सर्वे के मुताबिक एक आंकड़ा आया, बिहार का 50% जो लोग है, परिवार जो है 50% वो पलायन कर रहे हैं। पलायन कर रहे हैं यानी बिहार का हर दूसरा परिवार में से कोई ना कोई दूसरे राज्य या देश जाकर के अपने रोजी रोटी को ढूंढने का काम कर रहा है। सिर्फ कमाई के लिए नहीं, दवाई और इलाज के लिए भी बाहर जा रहे हैं और शिक्षा के लिए भी बाहर जाने का काम कर रहे हैं। जो लोग टीशर्ट पहनना चाहते तो कोटा भाग जाते हैं, कोई लोग जो है महाराष्ट्र चले जाते हैं, कोई लोग बैंगलोर चले जाते हैं। जाता है कि नहीं जाता है सब? यानी बिहार का लाखों करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, बिहार का पैसा यानी बाहर जा रहा है, यानी बाहर के प्रदेशों का तरक्की हो रहा है। हम क्यों नहीं अच्छा स्कूल कॉलेज, हम क्यों नहीं कोचिंग सेंटर, हम क्यों नहीं कारखाने फैक्ट्री, हम क्यों नहीं अच्छे अस्पताल यहाँ बनाते, क्यों नहीं हम पर्यटन की अच्छा व्यवस्था करें, मोती झील को हम ऐसा विकसित करें ताकि देश दुनिया से लोग आकर के देखने का काम करें। आएगा तो बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बाहर का भी पैसा जो है बिहार आएगा। पर्यटन से लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यही मोती झील है, कितना लोग भ्रष्टाचार करके इसका खा गया सारा पैसा, सफाई वाला हुआ कि नहीं हुआ घुसखोरी? अगर मोती झील अगर अच्छे से विकसित करेगा, अभी वापस जाने के क्रम में हम मोती झील जाएंगे देखने के लिए, और हम आप लोगों से वादा करते हैं ये डबल इंजन की सरकार मोती झील को पर्यटन स्थल बनाए, साफ कराए ना कराए, लेकिन आपके भाई आपके बेटे की सरकार आएगी, गरीब की सरकार आएगी तो इसको अव्वल नंबर का पर्यटन स्थल बनाने का काम करेंगे। जितनी चीनी मिल जो बंद पड़ी है उसको खुलवाने का काम करेंगे। बिहार में, बिहार सरकार में लाखों रिक्त पद खाली है, 50,000 सिपाही का खाली है, डॉक्टर का खाली है, प्रोफेसर का खाली है, शिक्षक का खाली है, हर जगह देखिएगा काफी जो है खाली पद है, उसको भरा नहीं गया है। आते ही जो है हम अब रिक्त पद जो है उसको भरने का काम करेंगे, लाखों नौजवानों को हर एक क्षेत्र में रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। बिहार